बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पटना का IGIMS अस्पताल अब कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। दरअसल पिछले एक सप्ताह के दौरान यहां दो मरीजों के में के जो कोरोना का संक्रमण फैला था उसकी चपेट में आकर अभी तक पास कर्मी सहित 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और जिसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया है। फिलहाल कल रात फिर एक कोरोना का मरीज यहाँ पर मिला था जो यहाँ रेडियोलॉजी विभाग का एक कर्मी बताया जाता है। उसके मिलने के बाद एहतियातन इस अस्पताल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ ICU में जो पेशेंट एडमिट हैं सिर्फ उनका इलाज होगा और शनिवार को यहाँ पूरी तरह से सैनिटाइजेशन कराने के बाद ही सोमवार से फिर अस्पताल की गतिविधियाँ शुरू होगी। ये एक ऐसा अस्पताल था जहाँ दूर दराज से लोग आते थे और इसमें छपरा के एक पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से यह संक्रमण फैला था और इस अस्पताल में इससे पहले करीब 30 स्टाफ ऐसे थे जिनमें के 3 डॉक्टर भी थे, उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आना शुरू हुआ तो उसमें करीब 5 जो कर्मी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अस्पताल को फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद किया जाएगा और सोमवार से इसकी गतिविधियाँ फिर से शुरू होंगी। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।